तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट 100 डेज इन स्काई ब्लॉक, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि आसमान में रहने वाला है और इस वर्ल्ड में हम लोग सरवाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 100 डेज। हाँ, अपना ये वर्ल्ड अकेला नहीं है, इसके बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं जो कि मुझे हेल्प करने वाले हैं अपने इस 100 डेज की जर्नी को कम्प्लीट करने में। अपने इस 100 डेज की जर्नी को हम लोग और हार्ड बनाने के लिए हम लोग करने वाले हैं इसमें कुछ चैलेंजेस कम्प्लीट। तो अपना पहला चैलेंज होगा कि हम लोग को एक ब्यूटीफुल सा एकदम बेस बनाना है। दूसरा चैलेंज होगा कि हम लोग को अपने लिए एक डायमंड इंचेंटेड आर्मर बनाना है। और तीसरा जो मेन होगा टारगेट, एंडर ड्रैगन को बीट करना। तो क्या हम लोग 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे इस स्काई ब्लॉक के ऊपर इन नमूनों से बचते हुए, चलिए देखते हैं। लेकिन वेट, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगी है और काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो आपको जस्ट 1 सेकंड का काम करना है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो, तो डे 1 को हम लोग स्पॉन हो चुके थे एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे सिर्फ एक ट्री था, साथ साथ उसमें 3-3 टॉर्चेस लगे हुए थे। तो मैंने फटाफट ट्री को यहाँ काटना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी यार नीचे यार मुझे एक चेस्ट दिखा। उस चेस्ट के अंदर मुझे एक आइस ब्लॉक मिला, एक पोटैटो मिला और एक लावा बकेट मिला। आइस क्यूबर बकेट से इतना तो पता चल गया था कि अब मुझे यहाँ पे वुड की कम और स्टोन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मुझे बनाना पड़ेगा कोबल स्टोन जनरेटर ताकि यार मुझे अनलिमिटेड वहां से स्टोन मिल सके। तो मेरे पास जितने भी वुड थे मैंने उसे यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लिया। थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स क्राफ्ट कर लिए, थोड़े बहुत प्लैंक्स मैंने क्राफ्ट किए। जितनी भी ऊपर क्लियर की डर्ट थी ना उसको मैं तोड़ने लगा ताकि यार मैं इसको एरिया को ना थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर लूँ, ताकि यार मेरे पास जो भी सीड होना मैं उसको यहाँ पे पोटैटो को हम लोग यहाँ पे फार्म कर सके। नीचे की साइड ज़ॉम्बीज का मेला लगा हुआ था लेकिन हम लोग को डायमंड आयरन वगैरह सब वहीं से मिलने वाला था। तो मेरी प्लेटफॉर्म कुछ यहाँ पे 3 लेयर की थी तो इतना तो पता चल गया था कि फार्मिंग के लिए मुझे यहाँ पे डर्ट मिल सकता है। तो मैंने फटाफट से पहले कोबल स्टोन जनरेटर बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि यार मुझे अनलिमिटेड यहाँ पे स्टोन मिल सके। तो एक साइड मैंने लावा को रख दिया और दूसरे साइड मैंने यहाँ पे पानी को रख दिया। ऑलराइट, अपना यहाँ पे कोबल स्टोन जनरेटर बन चुका है। मुझे यहाँ पे फटाफट वुडन एक्स बनाना पड़ेगा। मेरे पास जो एक ट्री का सैपलिंग था उसको भी मैंने प्लांट कर दिया। मेरे पास वुडन एक्स नहीं होने के कारण मुझे इस पेड़ का बड़ा होने तक इंतजार करना पड़ा था। अब जो मेरे पास यहाँ पे प्लैंक्स हो चुके हैं तो मैं फटाफट इसका यहाँ पे बनाने वाला हूँ स्टिक, और स्टिक से हम लोग बना लेंगे अपने लिए एक वुडन एक्स। और अपने लोग को मिल चुका है यहाँ पे अपना पहला यहाँ पे स्टोन, और मुझे चाहिए होगा 3 स्टोन ताकि यार हम लोग यहाँ पे स्टोन की पिकेक्स बना सकें। मैंने क्राफ्ट कर लिया है फटाफट स्टोन का पिकेक्स। अब मेरा जो काम होगा ना थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी इजी होगा। तो पूरी रात स्टोन माइनिंग करने के साथ अपना डे 1 यहाँ पे खत्म हो चुका था। हम लोग के पास लिमिटेड डर्ट होने के कारण जितने भी डर्ट के मैंने कोबलस्टोन जनरेटर बनाए थे उसको मैंने स्टोन से रिप्लेस कर दिया था। जितने भी स्टोन थे उनके मैंने बना लिए स्लैब। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपने जगह को एक्सपेंड करने वाले हैं। तो जगह को स्पेंड करने के साथ साथ ना मेरे पास जितने भी सैपलिंग थे ना उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्री प्लेटफॉर्म बना लिया ताकि यार अपना पेड़ वहाँ पे मस्त एकदम ग्रो हो जाए। बाकी यार जो भी और भी बचे कुछ स्लैब्स थे ना उनका मैंने यहाँ पे जगह को अपने थोड़ा बहुत स्पेंड कर लिया। उसके बाद में हम लोग फिर से लग चुके थे यहाँ पे स्टोन माइनिंग में, क्योंकि अपने पास अभी एक सिर्फ यही काम था और स्टोन हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हम लोग और भी रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, जैसे मॉब फार्म बनाने में काम आता, बाकी स्टोन अपने लोग को भी बहुत ज़रूरी था। तो पूरी रात हमने यहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। मैं पिछले 2 दिन से सोया नहीं था तभी मुझे सामने के साइड टूरिस्ट स्मिथ का घर दिखा और मुझे जहाँ तक मैं कंफर्म था कि वहाँ पे एक ना एक तो बेड होना चाहिए। तो मैं फटाफट चल चुका हूँ उस बेड की तलाश में, और साथ ही साथ वहाँ पे एक चेस्ट होगा तो उसमें मुझे कुछ आयरन भी मिल जाएंगे। और जैसा कि उम्मीद था मुझे यहाँ पे एक बेड मिल चुका था, साथ ही साथ मैं वहीं पे सो गया। नेक्स्ट डे हमारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग चेस्ट खोलते हैं, इसमें चेस्ट में हम लोग को क्या क्या मिलता है। ओके, यहाँ पे मुझे 2 डायमंड मिले, 4 ब्रेड और यहाँ पे 5 आयरन के यहाँ पे इंगट्स मिले। भाई सब काफ़ी खतरनाक लूट यहाँ पे मिली। अब मैं यहाँ पे आयरन के भी टूल्स बना सकता हूँ। मैंने उसका बेड भी यहाँ पे चोरी कर लिया। अब मैं फिर से लग चुका था स्टोन माइनिंग में, क्योंकि अपने लोगों ने अभी थोड़े बहुत ज़्यादा स्टोन चाहिए।
नेक्स्ट डे मैं एक छोटा सा और स्काई ब्लॉक को एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ पे मुझे चेस्ट मिला जो कि बिल्कुल खाली था। वहाँ पे एक शिप था, साथ ही साथ यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर का रिसोर्स था। इसमें ग्रेवल भी थे बहुत अंदर और यहाँ पे डर्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे। बट यार मुझे सही नहीं लगा डर्ट को यहाँ पे तोड़ना, तो मैंने क्या किया जितने भी थे ना सब ग्रेवल को कलेक्ट करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जगह को एक्सपेंड कर लिया, ताकि यार अपने शिप वगैरह ना यहाँ पे स्पॉन हो जाए। नेक्स्ट डे को मैंने एक छोटा सा फार्म बनाया था, जिसमें कि यहाँ मैंने वीट मेरे पास पाँच पाँच पड़े हुए थे, तो मैंने सबको प्लांट कर दिया था। उसके बाद मैंने क्राफ्ट कर लिया अपने लिए एक फर्नेस, और फर्नेस में यहाँ पे चारकोल जन बनाने लगा, ताकि यार रात होते हैं मैं टॉर्चेस वगैरह यहाँ पे लगा सकूँ, वरना यार ज़ॉम्बीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं। जितने भी मेरे पास यहाँ पे चारकोल थे सबका मैंने यहाँ पे बना लिया था टॉर्च। अब मैं यहाँ पे कॉबी जैसे पे स्पॉन हो चुका था, तो मेरे पास यहाँ पे जितने भी टॉर्चेस थे ना सबको मैंने यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर दिया, ताकि यहाँ पे एक भी मॉब यहाँ पे स्पॉन ना हो। नेक्स्ट डे थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ काटी, पूरे दो दिन के बाद माइनिंग के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन हो गए थे, तो सबका मैंने यहाँ पे स्लैब में बना लिया था। और अभी मैं करने वाला हूँ अपने एरिया को काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपैंड, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे बड़ा करने वाला हूँ। एरिया तो मैंने बहुत बड़ा एक्सपैंड कर लिया, बट किसी कारणवश मैं अपना रिप्ले मोड फिर से धोखा दे दिया और मैं फिर से आप लोग को नहीं दिखा पाया। नेक्स्ट डे मैंने सोचा एक और मुझे जगह एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मेरे सामने एक यहाँ पे बम्बू और साथ ही साथ वहाँ पे एक ट्री दिख रहा था, तो मैंने फटाफट वहाँ जाने का सोचा। जाते के साथ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बम्बू ट्री, साथ ही साथ एक ट्री था, एक यहाँ पे कैंप फायर और एक अपना यहाँ पे सुअर सब था। तो जितने भी बम्बू थे सबका मैंने कटाई छटाई यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। ट्री के ऊपर मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखा था, जिसमें कि यार मुझे यहाँ पे कुछ पैरट के यहाँ पे स्पॉन एग मिले, साथ ही साथ यहाँ पे कोको बीन्स मिले, बस दो ही आइटम। रात होते ही अपने फार्म में थोड़ी बहुत जो मैंने वीट फार्म किया था वो यहाँ पे हो चुका था, तो तीन तो यहाँ पे दो तो हो चुके, ताकि यार मेरा यहाँ पे ब्रेड तो ईजिली बन जाएगा। अभी भी मुझे चाहिए, तो जितने भी टॉर्चेस थे ना सबको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया अपने एरिया में, ताकि यार लाइटिंग रहे तो मॉब स्पॉन ना हो, वरना अभी मैं लड़ने के हाल में बिल्कुल भी नहीं हूँ। नेक्स्ट डे मैं एक और एरिया एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ पे मुझे एक चेस्ट में ऑब्सिडियन दिखा था और यहाँ पे कुछ ऑब्सिडियन पड़े हुए थे पोर्टर के लिए, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ताकि यार ये बाद में हम लोग यहाँ पे नेदर जा सके। स्काई ब्लॉक के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ था, जैसे कि स्टोन यहाँ पे वुड, लेकिन यार मुझे नीचे तो ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि यार वहाँ पे ही सब चीज़ तो पड़े थे, जैसे कि चेस्ट पे अपना वहाँ डायमंड हो गया, साथ ही साथ वहाँ पे अपना आयरन, काफ़ी ज़्यादा चीज़ तो वहीं पे मिलने वाला था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट मेरे वाटर बकेट में जितना मैंने पानी था सबको प्लेस कर दिया, ताकि यार मैं वाटर के सहारे जा सकूँ नीचे। और मैं सच्ची बताऊँ ये मेरे लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन था। नीचे मैं चला तो गया, बट मुझे नहीं पता था डायमंड ऐसा मेरे साथ होने वाला था। तो ये मेरा सबसे गंदा डिसीजन था, मैं नीचे तो फिर से जा रहा हूँ अपने टूल्स लेने, बट मुझे पता है अब वो मुझे नहीं मिलने वाला। मेरा डायमंड का यहाँ पे शॉर्ट गया, जो कि यार मुझे टूल्स में हाउस से दो डायमंड मिला था, उसके मैंने डायमंड यहाँ पे टूल्स में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बनाया था। आयरन के सारे टूल्स मेरे गए, मैं दो तीन बार कोशिश करता हूँ नीचे जाके अपने सारे सामान लाने के, बट मैं काफ़ी ज़्यादा बार फेल हो जाता था, क्योंकि यार यहाँ पे स्केलेटन तीर चला रहे थे, पीछे से क्रीपर फट रहा था, और वहाँ पे मॉब्स तो भाई क्या ही खतरनाक चल रहे थे। तो मैं दो तीन बार तो ट्राई करता हूँ, बट फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आता, और मैं इस टाइम पे ना जीरो पे खड़ा हूँ बिल्कुल भी, जहाँ पे यार ना ही मेरे पास सब कुछ यहाँ पे कोई भी आयरन के सामान है, ना ही यहाँ पे अपने पास डायमंड बचा है, ना ही अपने पास कोई भी यहाँ पे प्लांट्स बचे जो कि यार मैं फिर से इसको क्राफ्ट कर सकूँ। तो अब मेरी गेम जो फिर से जीरो से स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे यार ना ही मुझे पास अब आयरन था, ना ही मेरे पास यहाँ पे ट्री के सैपलिंग्स थे, ना ही मेरे पास और भी कोई वाटर बकेट था, और ना ही मेरे पास यहाँ पे अब कोई आयरन बचा जिससे मैं बकेट बना सकूँ। तो पूरी दिन मैंने यहाँ पे स्टोन की माइनिंग की है।
बिना आयरन आर्मर के मैं नीचे तो जा नहीं सकता था। तो मेरे दिमाग में प्लान आया क्यों ना कि यहाँ पे मॉब फार्म बनाया जाए, जहाँ पे एटलीस्ट आधे घंटे में भी एक आयरन तो हम लोग को मिल सकता है मॉब से मार के। तो मैं फटाफट लग देता हूँ मॉब फार्म बनाने के लिए। ऑलराइट, तो मॉफॉर्म हम लोगों ने बना लिया था, बट मॉफॉर्म में ऊपर मैंने पानी तो दिया ही नहीं था, जिस कारण से यार अब मॉफॉर्म अपना कंप्लीट है बट अभी भी पूरा अधूरा है। आयरन मेरे पास था नहीं जो कि यार आयरन बकेट हम लोग बना सकें। थोड़े बहुत मैंने शॉट से जो भी जॉम्बी सब मैंने मारा, थोड़े बहुत मेरे पास बोन्स कलेक्ट हुए जो, और मेरे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खाने के लिए कुछ यहाँ पे रोटन फ्लैश, साथ ही साथ यहाँ पे आयरन और यहाँ पे सॉरी आयरन नहीं मिले हाँ, बट यहाँ पे एरो और यहाँ पे मुझे बो ज़रूर मिले। और जितने भी फैंस थे ना मैंने सबको फैन से थोड़ा बहुत कवर कर लिया। नेक्स्ट डे निकल जाता हूँ मैं एक और आइसबर्ग को यहाँ पे एक्सप्लोर करने। यहाँ पे मुझे गेट तो मिल ही नहीं रहा था, शायद सामने की साइड हो। हाँ एक मुझे गेट दिखा यार, यहाँ पे ट्रैप डोर है इसलिए इसके नीचे जाना पड़ेगा। और राइट यहाँ पे मुझे एक बैरियर दिखा जहाँ पे यार गोल्डन एप्पल पड़ा हुआ था, साथ ही साथ यहाँ पे एक सेकेंड पोर्शन ऑफ वीकनेस था और साइड में यहाँ पे जॉम्बीज था और वो भी विलेजर जॉम्बीज। तो अभी ना मैं इसको क्योर कर सकता हूँ और अपने वर्ल्ड में ना अपना अपने लोग को दूसरा जो अपना विलेजर मिल जाएगा। एक तो टूल स्मिथ हो गया, साथ ही साथ ये भी मिल जाएगा, तो अपना काम यहाँ पे इजीली या विलेजर वाला इजीली हो जाएगा। इसके बाद विलेजर रहेंगे तो आयरन गोलम भी स्पॉन होगा, हम लोग को फिर से आयरन भी मिल सकेगा। तो विलेजर अपना यहाँ पे क्योर हो चुका था पूरी तरीके से, अभी ना मुझे इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। तो मैं इसकी बैरियर उठा के धीरे धीरे मैं इसको अपने प्लेटफॉर्म पे ले आता हूँ। मैं इसको प्लेटफॉर्म पे तो ले आया हूँ बट मैं इसको जॉब देने वाला हूँ फार्मर के, ताकि यार मेरे पास जो भी यहाँ पे आइटम होंगे ना उससे मैं थोड़े बहुत इसको ट्रेड कर सकता हूँ, उससे मुझे कुछ एमरल्ड्स वगैरह भी मिलेंगे। और बाकी अपना टूल स्मिथ तो है ही, वो हम लोगों को कुछ टूल्स वगैरह दे देगा और अपना दो विलेजर हो जाएंगे तो मुझे तीसरा भी आ जाएगा, उससे यार अपना आबादी यहाँ पे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर पोटैटोज़ के बदले दे रहा था कुछ एक एमरल्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा था। मेरे पास वीट पड़ा हुआ था क्योंकि पोटैटो मेरे साथ नीचे गिर चुका था उस वाले जगह पे जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता था हाँ, बट मैं फिर से इसको तीन चार बार ट्राई करता हूँ ताकि यार ये वीट के बदला कुछ दे। रात होते ही मैं दोनों विलेजर को एक जगह पे ले आता हूँ ताकि यार ये दोनों अपना गोलमाल करें और एक छोटा मोटा गोलू मोलू भी यहाँ पे हो जाए हाँ। बट इन दोनों को गोलमाल कराने के लिए मेरे पास यहाँ पे ब्रेड नहीं था, तो सुबह होते ही के साथ मैंने दोनों को अपना यहाँ पे जॉब दे दिया था। और ये मुझे कुछ कोल के बदला यहाँ पे दे रहा था एमरल्ड, बट मेरे पास इस वर्ल्ड में अभी कोल एक भी नहीं मिला। कोल हो सकता है नीचे की साइड हो बट मैं नीचे की साइड अभी नहीं जा सकता क्योंकि यार मेरे पास ना ही यहाँ पे आयरन के आर्मर है और आप लोग मेरा क्या हाल हुआ था तो आप लोग को पता ही है। यहाँ पे मुझे वॉन्डरिंग ट्रेडर मिला जो कि यार एमरल्ड के बदले कुछ दे रहा था, बट मैं अभी एमरल्ड मेरे पास एक भी नहीं था। कुछ यहाँ पे जादूगर आ रहे थे तो मैं उनको भी थोड़ा सा पेल दिया था।
डरा था, ये मेरे काम का तो नहीं था, बट हाँ मैं लावा को मार गया, इसका यहाँ पे रस्सी जरूर काम का आ सकता है। नेक्स्ट डे मेरे फार्म में जितना भी यहाँ पे बॉन्स था ना, सबको मैंने बोन मिल बना लिया था। बोन मिल बनाते के साथ मैंने यहाँ पे पोटैटो यहाँ पे फार्म उगाना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया, ताकि यार मेरे पास जितने भी जल्दी जल्दी यहाँ पे ज़्यादा पोटैटो होंगे ना, उनसे यहाँ पे मैं फार्मर से इजिली यहाँ पे एक एमरल्ड ट्रेड कर लिया था, और अपना वर्ल्ड का सबसे पहला यहाँ पे एमरल्ड भी हम लोग को मिल चुका था। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना इन विलेजर के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए, तो मैं फटाफट लग जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। मुझे पता है घर काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है देखने में, बट विश्वास करो इसके अलावा मेरे पास अभी कोई भी आइटम नहीं है ताकि यार मैं घर को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकूं। हाँ मुझे आयरन चाहिए होगा, ये विलेजर तो मेरे पास है, तो मैं बनाने वाला हूँ अभी के अभी आयरन फार्म, ताकि यार मुझे अनलिमिटेड आयरन भी मिल सके। ऑलराइट गाइस, आयरन फॉर्म अपना रेडी हो चुका है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये आयरन फॉर्म आप लोगों को कैसा लगा। हाँ जज करना, मेरे पास कम रिसोर्सेस था जिस वजह से मैंने ऐसा बनाया। बाकी यार आप लोग पूछेगा ये पानी है ऊपर से नीचे क्यों आ रहा, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास अभी आयरन नहीं थे जिसके कारण मैं यहाँ पे हॉपर वगैरह बना सकता था, तो जो भी आयरन गोलम स्पॉन होगा ना वो वहाँ पे फायर से जल के उसके नीचे मैंने पानी दिया हुआ है, ताकि यार वहाँ से जो भी आयरन आपके टुकड़े आएंगे ना वो सीधा पानी से नीचे आके उसमें जमा हो जाएंगे, जिससे कि यार थोड़ा बहुत आयरन अगर कलेक्ट होगा ना तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉपर वगैरह बना सकते हैं। बाकी यार ये अगर आपको आयरन फार्म कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट डे मेरे एनिमल फार्म पे ना काफ़ी ज़्यादा एनिमल यहाँ पे स्पॉन हो चुके थे, लेकिन यार ये लोग कहीं गिर ना जाए जिसके कारण मैं फटाफट फेंसिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ चारों साइड। थोड़े बहुत जितने भी वीट थे ना सबको मैं खिला देता हूँ, ताकि यार आने वाले टाइम पे अपना कॉ यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लेदर दे सके और सीप अपना आपको उल दे सके, ताकि यार विलेजर के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेड भी बना सकें। कुछ कैरेट्स मेरे पास पड़े हुए थे तो मैं सुअरों को भी खिला देता हूँ। रात होते ही मैं जैसे ही ट्रेडिंग हॉल के अंदर जाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो चुका था, और अभी मेरे पास यहाँ पे इसको पहनने के बाद चार आयरन के यहाँ पे इंगट्स मिल ही सकते हैं।
आयरन गोलम को पहले के साथ अपने लोग को यहाँ पे चार चार यहाँ पे आयरन के इंगट्स मिल चुके थे। बाकी यार अपने को यहाँ पे आयरन बकेट भी मैंने क्राफ्ट कर लिया था और अभी मुझे चाहिए इन थोड़े बहुत उल ताकि यार मैं विलेजर के लिए भी बेड क्राफ्ट कर सकूं और एक अपने लिए भी। जितने भी उल पड़े थे ना सब का मैंने यहाँ पे बेड क्राफ्ट कर लिया। तो आयरन फार्म से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आयरन मिले जिससे कि यार अपना फटाफट हम लोग आयरन के आर्मर क्राफ्ट कर लिए। और अब हम लोग जाने वाले हैं आयरन के आर्मर पहन के नीचे की साइड जहाँ पे मॉब स्पॉन होते हैं और वहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं डायमंड। तो फटाफट आयरन के आर्मर पहन लेते हैं। और गाइस देख सकते हो हम लोग पहन चुके हैं अपने वर्ल्ड में अपना पहला आर्मर वो भी आयरन का। मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़े से लावा। अब लावा किस लिए वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। नीचे जाने का जगह मुझे यहीं पे खोदना पड़ेगा। ओके नीचे हम लोग यहाँ पे जाते थे। भाई साहब क्या ही गंदा यहाँ पे मॉब स्पॉन हुआ है। तो मैं ना क्या करता हूँ सिंपली जो मेरा प्लान है इनके ऊपर लावा मारेंगे पहले और लावा के ऊपर हम लोग जैसे पानी मारेंगे ना तो अपना यहाँ पे ना पूरा स्टोन बन जाएगा। मतलब अपना इजी काम हो जाएगा अच्छे से। बाकी ये लावा से देखते हैं अगर कोई मर जाता है तो ठीक है वरना इसके ऊपर हम लोग पानी देते हैं और पूरा स्टोन बन जाएगा तो अपना रास्ता इजिली यहाँ से बन जाएगा। अभी ना धीरे धीरे नीचे चलते हैं। ऊपर की साइड जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है ना शायद उस कारण से ना मॉब ये जितने भी है ना धूप में भी मतलब दिन के टाइम में भी ये लोग जल नहीं रहे वरना यार दिन के टाइम में तो जल जाते हैं। बट तो नहीं पता यार ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के कारण हो रहा है या फिर ये ऐसा ही स्काई ब्लॉक में ऐसा ही होता है लिटरली मुझे नहीं पता। बाकी यार अपना यहाँ पे अभी ख़त्म हो चुका है तो अभी ना हम लोग फिर से यहाँ पे डालने वाले हैं लावा। सॉरी और अब इसके ऊपर से डालने वाले हैं पानी ताकि यार अपना रास्ता बन जाए। एक बार ना मैं नीचे जाके ना एक बार सारा अगर मॉब्स को मार दूंगा ना तो फिर अपना काम इजी हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम लोग टॉर्चेस वगैरह प्लेस कर देंगे ना तो फिर मॉब स्पॉन नहीं होगा। बाकी यार उसके अंदर क्या होगा ये तो नहीं पता बट हाँ अभी के टाइम में तो थोड़ा बहुत तो मुश्किल है। यार नीचे आते आते ना रात हो चुकी है मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा संभल के जाना पड़ रहा है क्योंकि इस बार अगर मरते हैं ना तो फिर मेरा सारा आइटम पूरा आपका पूरा चला जाएगा ला फिर हमको हर चीज़ में प्रॉब्लम होगा। बाकी यार अभी ना इसके ऊपर लावा फेंकते हैं थोड़े बहुत तो जल के मर ही जाएंगे। तो मैंने मॉब फार्म से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एरो लाया था तो अभी फटाफट इन पे तीरंदाजी स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ कुछ तो स्पाइडर यहाँ पे उड़ उड़ के आ रहे हैं तो इनको भी मैंने पेल दिया है। बाकी अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं तो अभी ना इनके ऊपर हम लोग लावा फेंकते हैं अच्छे से और जैसे ये लोग मरेंगे ना मैं सीधा नीचे की साइड कूद जाऊंगा। अभी आई थिंक टाइम हो चुका है नीचे जाने का। ओके भैंसिया गंदा आग लग गया ये कैसे ओके बच गया मैं पानी था मेरे पास बच गया। ओके तीन दो ओके दो अभी भी मेरे पास स्केलेटन है यहाँ पे सामने की साइड एक क्रीपर भी है और एक ये तो चलो ये एंडरमैन कुछ नहीं करेगा। बाकी यार ना मुझे इन तीनों को पहले मॉब को ख़त्म करना पड़ेगा। भैंस किया इसको पहले पहले दो अरे शॉर्ट कहाँ गया हाँ मिल गया एक पहले इसको ख़त्म कर दो ये फटेगा ना तो एक बार में सीधा मुझे ऊपर पहुँचा देगा। बाकी यार ये लकड़ी का डंडा साला ले हड्डी को पहले मारना पड़ेगा जो बहुत ज़रूरी। एक वो क्रीपर को जलाओ पहले और भैंस की आँख सारा थोड़ा वो तो हेल्थ जा रहा है ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बट हाँ दो दो यहाँ पे है तो इजली भैंस के फिर आग लग गया फिर आग लग गया गया मेरा रचपी भैंस क्या ही बचे फिर से बच गए एकदम इजी तरीके से। ओके बाकी पहले इसको ख़त्म करते हैं ये सबसे लास्ट बचा है इसको ख़त्म करो पहले इसको ख़त्म करो। ऑल राइट सारा तो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया और आई थिंक मैं फटाफट यहाँ पे टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ ताकि यार मॉब स्पॉन ना हो वरना यार बहुत ओके यहाँ पे कुछ तो है भैंस की क्या ही आप ओ भाई क्रीपर फटा भाई सारे मॉब्स तो यहीं पे थे। एक सेकंड यहाँ पे आई थिंक कुछ तो है भाई यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है अंदर के साइड आई थिंक और मॉब्स होगा। बाकी ना उससे पहले हम लोग जितने भी गोल्ड्स वगैरह हैं ना ऊपर ऊपर हम लोग सारा कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर और देखते हैं यार अंदर के साइड हम लोग को डायमंड वगैरह तो इजीली मिल सकता है। बाकी यार यहाँ पे ओके यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉनर भी लगा हुआ है इस वजह से ना अंदर के साइड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मॉब स्पॉन हो रहे हैं। बट हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर सिंपल लावा फेंकते हैं और जो भी होगा ना जल के मर जाएगा। बाकी यार मेरे यहाँ पे तगड़ी वाली फाइट होने वाली है तो कमेंट्री करके मैं गंदा नहीं करना चाहता आप लोग ना थोड़ी बहुत फाइट तो इन्जॉय करो।
यार ये विच के मैजिक से मैं मरते मरते बचाऊं दो दो बार। ओके तो अभी मैंने एरिया पूरा क्लीन कर दिया, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया। बाकी यार मॉन्स्टर स्पॉनर को फटाफट मैंने यहाँ पे तोड़ दिया। सामने की साइड मुझे एक चेस्ट मिल रहा है यार, उसमें कुछ ना कुछ तो तगड़ी चीज़ें होना चाहिए। बाकी यार इसमें क्या क्या है, ओके कुछ यहाँ पे चेरी वगैरह है, कुछ नेम टैग, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ मेरे काम का ही नहीं था, बाकी डिस्क पड़ा हुआ था। ओके और यहाँ पे मॉन्स्टर है, फटाफट इन सभी को पेलते हैं और सभी पूरा टॉर्चेस लगा देंगे ना, तो अब यहाँ पे मॉब स्पॉन होने का कोई चांस ही नहीं होगा, तो फटाफट इनको ख़त्म करते हैं। ओके सभी को ख़त्म करने के बाद मैंने फटाफट यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगा दी और यहाँ पर मुझे मिला है अपना पहला लैपिस। ओ भाई साहब यहाँ पर तीन तीन लैपिस पड़ा हुआ, चार चार लैपिस है, ओके पांच लैपिस मुझे मिल गया। तो मैंने फटाफट जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेस है ना, ओके भैंस की यहाँ पर डायमंड मिल गया मुझे इस गेम का, अपने इस सर्वाइवल वर्ल्ड का, अपने इस स्कैप लॉक का पहला डायमंड, और वो भी एक नहीं बल्कि आई थिंक 6-7 तो यहीं पर हम लोग को मिल गया। तो अभी ना हम लोग फटाफट रिसोर्सेस कलेक्ट करते हैं। तो पूरा लूटने के बाद मुझे यहाँ पे टोटल 29 डायमंड्स मिले हैं, 6 एमरल्ड मिले हैं, तो सभी के मैंने यहाँ फटाफट डायमंड आर्मर क्राफ्ट कर लिया। और मेरे पास ना अभी शायद से मैं पिकेक्स नहीं बना पाऊँ, शॉर्ट तक ही मेरा बन पाएगा डायमंड आर्मर। ओके और यहाँ पे मेरे पास 3 डायमंड बचे थे अभी, और तो मैंने फटाफट यहाँ पे सारा क्राफ्ट कर लिया। और गाइज अभी ना मेरे पास आ चुका है अपना डायमंड आर्मर, और अभी हम लोग रेडी हैं यहाँ पे नेदर जाने के लिए, साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे बीट करने वाले हैं एंडर ड्रैगन को भी। बाकी यार लेकिन उससे पहले हम अपना आर्मर को करने वाले हैं पूरा इंचेंट, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा फटाफट कुछ ऑब्सीडियन, साथ ही साथ कुछ दो मेरे पास डायमंड चाहिए होगा और भी कुछ आइटम चाहिए होगा, तो फटाफट चल के उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे थोड़े कुछ यहाँ पे शुगर केन ताकि हम लोग इसका बुक्स बना सकें, कुछ यहाँ पे कॉर्स को मारा ताकि हम लोग को लेदर मिल सके, जिससे कि यार हम लोग को बुक्स बनाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। थोड़े बहुत मुझे चाहिए होगा यहाँ पे ऑब्सीडियन ताकि यार हम लोग उसको एन्चेंटिंग टेबल बना सके जो कि यार चेस्ट में पड़े हैं। तो पूरे 2 दिन रिसोर्सेस कलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग बनाने वाले हैं अपना एन्चेंटिंग रूम। बाकी यार ये ट्रेडिंग हॉल आप लोगों को कैसा लग रहा है ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रखने वाले हैं अपना एन्चेंटिंग टेबल। बाकी यार थोड़ा बहुत डिजाइनिंग के लिए हम लोग रेड कारपेट इसके साइड साइड लगा देते हैं। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं अपने सभी आर्मर को एन्चेंट। तो अभी हम लोग ने अपना आर्मर तो फुल्ली रेडी कर लिया है, अभी हम लोग को ना अपना नेदरराइट पोर्टल बनाना पड़ेगा, तो जिसके लिए ना मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्सीडियन चाहिए होगा। तो ऑब्सीडियन अब कहाँ से आएगा, तो याद होगा आपको कि मैं नीचे की साइड जब गया था तो वहाँ पे लावा पोल था, जिसके कारण कि मैं उसके ऊपर जब पानी डाला ना तो पूरा का पूरा वहाँ पे ऑब्सीडियन बन गया था। हाँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्सीडियन तो वहीं से ला चुका हूँ। बाकी यार अभी ना हम लोग फटाफट अपना नेदर पोर्टल बनाते हैं। ऑलराइट तो अभी अपना नेदर पोर्टल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, तो अभी ना फटाफट चलते हैं। बाकी थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, हम लोग देख लेंगे अपना यहाँ पे आर्मर फुल्ली की फुल है, यहाँ पे इंचेंटेड है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, डायमंड आर्मर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और एक सेकेंड यार ये ना एक छोटा सा, ठीक है छोटा सा क्यूब बोल सकते हैं, जिसमें कि यार छोटा सा बेडरॉक के अंदर ही तो अपना यहाँ पे
ये है, और एक सेकंड ये फोर्ट्रेस्ट है ना, हाँ एक सेकंड, ये छोटा सा फोर्ट्रेस्ट है, मतलब यार सिंपल वे में देख सकते हो। चलो फटाफट इसको तोड़ लेते हैं ताकि यार ये अपना पोर्शन बनाने में काम आएगा। हाँ मैं वो बताता रहा था ना कि एक छोटा सा बेडरॉक का क्यूब है जिसके कि यार अंदर अपना फोर्ट्रेस दे दिया जहाँ पे ब्लेजरॉड स्पॉन हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ब्लेजरॉड तो दिख चुका है, साथ ही साथ यहाँ पे वेदर स्केलेटन भी है। तो फटाफट ना इनको मार के ना हम लोग फटाफट ले लेते हैं। यहाँ पे ब्लेजरॉड हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मिल चुका है। तो सारे ब्लेजरॉड को इकट्ठे के बाद मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड में, और यहाँ पे भी हम लोग फटाफट पोशन बनाने वाले हैं। जितनी भी अपनी जरूरत की चीजें होगी ना सबको बनाएंगे, और हम लोग जाने वाले हैं अब एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए। तो अभी ना हम लोग पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, अपने पास सारे यहाँ पे आइटम्स आ चुके हैं जो कि यार हमें जरूरत पड़ेगी। बाकी यार ना अभी फटाफट इसको यहाँ पे तोड़ते हैं, और अभी हम लोग लगाने वाले हैं आई ऑफ एंडर, और फटाफट से करते हैं अपने इसको एक्टिवेट। तो एक तो यहाँ पहले से पड़ा हुआ था, बाकी फटाफट यहाँ पे और रख देते हैं। आई थिंक 11 मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, ओके एक ज़्यादा पड़ गया। अभी ना अपना यहाँ पे एंड गेट खुल चुका है, और अभी चलते हैं हम लोग एंड वर्ल्ड में। ऑलराइट तो मैं आ चुका हूँ, मैंने पहले भी एंडर ड्रैगन को मारा हुआ है, तो सबसे पहले ना मुझे टावर ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट टावर ब्लास्ट करके एंडर ड्रैगन को मार के आपको मिलते हैं। ऑलराइट कैसे भी ना एंडर ड्रैगन को मैंने बीट कर दिया। फटाफट अपनी यहाँ पे जितनी भी एक्सपी है ना सबको यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। वैसे कि यहाँ मेरा काफ़ी कम एक्सपी था, बट अभी के टाइम में अपने पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपी हो चुकी है। अभी ना फटाफट चलते हैं अपने वर्ल्ड में। रुको रुको रुको, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ तक तो मैंने एंडर ड्रैगन को बीट कर दिया, लेकिन अपना जो अब ये बेस है ना, अपना जो भी यहाँ पे स्काई ब्लॉक है ना, ये अभी बहुत गंदा लग रहा है देखने में, मुझे पता है। लेकिन अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं। तो फटाफट इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं।